मुद मंगलमय संत समाज, सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम लोग सुनते आए हैं और समय से कहते भी हैं एक दूसरे से, पूरा प्रवक्ता द्वारा सुन भी रहे थे कि यह मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, बहुत सौभाग्य से मिलता है। जो हो, हमें तो आज मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। प्रश्न यह है कि जीवन क्यों मिला है और जीवन का उद्देश्य क्या है, और जिसके लिए जीवन मिला है क्या वह काम हम और आप कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन की कीमत को समझते हैं। हर चीज की कीमत समझने वाला मनुष्य अपने जीवन की कीमत को नहीं समझ पा रहा है। बात बात में तो आदमी यह कहता है कि भैया ये जीवन हीरा सरीखा है। जीवन की तुलना हीरे से दी जाती है। हीरा बड़ा चमकदार, बड़ा ठोस और बड़ा मूल्यवान होता है। दुनिया में सबसे ठोस वस्तु यदि कुछ है तो हीरा है। हीरा से ठोस वस्तु दुनिया में और कुछ भी नहीं है। छोटा सा भी हीरा हो, उसे आप घन से चाहे कितना भी मारें, हीरा टूटेगा नहीं, या तो छिटक कर दूर चला जाएगा या घन और निहाई में धस जाएगा। हीरा घन से कभी टूटता नहीं है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट। हीरा वह प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहता है। तो हीरा बड़ा ठोस होता है और जितना तराशते जाओ हीरे को, उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाती है। खदान से निकला हुआ हीरा यदि 10,000 का है तो तराश देने पर उसकी कीमत 1,00,000 से भी ज्यादा की हो जाती है। तो हीरा बड़ा कीमती होता है और जीवन की तुलना हीरे से दी जाती है। लेकिन हीरा चाहे कितने भी कीमती क्यों ना हो, जीवन के बराबरी नहीं टिक सकता। जीवन के सामने हीरा कंकड़ के समान है। वर्तमान में दुनिया में जो सबसे बड़ा हीरा है वह कोहिनूर हीरा है। आप लोगों ने भी सुना होगा कोहिनूर हीरे का नाम। पहले कोहिनूर हीरा हमारे देश में ही था, हमारे देश की संपत्ति थी। अंग्रेज लोग जब आए तो उस हीरे को लूट कर ले गए इंग्लैंड, और आज वह कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के मुकुट में लगा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। और कितना बड़ा है, सबसे बड़ा हीरा है यह सुन करके आप ये मत सोचिएगा कि वह 2-4-6 किलो का हीरा होगा। सबसे बड़ा हीरा जरूर है लेकिन उसका वजन कुल 14 ग्राम है। 14 ग्राम का हीरा, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, उससे बड़ा हीरा अभी मिला नहीं है। और उसकी कीमत कितनी होगी जानते हैं? सहज आदमी का हम लोगों को कह दिया जाता कि कोहिनूर हीरा की कीमत अंदाजो, तो हम अंदाज नहीं पाते। सूरत के एक हीरे के व्यापारी ने बताया जो कोहिनूर हीरा है जिसका वजन 14 ग्राम है, इस समय वर्तमान में उसकी कीमत है 90,000 करोड़ रुपया। हम सोच भी नहीं सकते हैं
अब 90,000 करोड़ तो हम लोग जिंदगी में देख भी नहीं पाएंगे, इतना कीमती है। लेकिन ऐसा कीमती कोहिनूर हीरा भी जीवन के सामने धूल के बराबर है, क्योंकि जिंदगी हो रहेगी तो आप हीरा कमा सकते हैं, और लेकिन करोड़ों कोहिनूर हीरा रख करके जीवन की अवधि को एक क्षण बढ़ा नहीं सकते। जीवन का अंत समय आता है तो चाहे जो करें, रुकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं पाया है। यहां पर आकर के सब अथमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसा अनमोल जीवन हमें मिला हुआ है, इस जीवन का उपयोग हम क्या कर रहे हैं? तीन गतियां होती है, एक उपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है और एक सदुपयोग होता है। एक अर्थ होता है, एक व्यर्थ होता है और एक अनर्थ होता है। अब ये तीनों हमारी बुद्धि पर निर्भर करते हैं। कोई चीज है, हमें उसका उपयोग कैसे करना है, हमारी बुद्धि जैसी होती है वैसे ही अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ परिणाम सामने आते हैं। अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ कैसे होते हैं इसको समझ लें, फिर समझेंगे कि उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे होते हैं। जैसे एक आदमी है, उसके पास 100 रुपया भी जेब में है, वो जा रहा है रास्ते में, भूख लगी, दुकान दिखाई पड़ी, रुक गया, दुकान में गया, खाने पीने का सामान खरीदा, खा लिया, यह अर्थ हुआ, उसका उपयोग हुआ, क्योंकि रुपया दिया, सामान लिया, खाया, पेट भर गया, तृप्त हो गई, शरीर में ताकत आ गई, यह अर्थ हुआ। एक हुआ, जा रहा है आदमी, जेब में रुपये रखा है, सामान निकालते धरते रुपया गिर गया, अपना किसी काम का नहीं आया तो वो व्यर्थ गया। तो अर्थ भी समझ में आता है, व्यर्थ भी समझ में आता है। खा लिए, चला गया रुपया, कोई बात नहीं, संतोष होगा भाई मैंने खाया, उपयोग हुआ रुपये का। गिर गया तो थोड़ा पछतावा होता है, देखो 100 रुपये का नोट था, गिर गया, वो व्यर्थ हुआ, हमारे कोई काम नहीं आया। लेकिन अनर्थ, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अनर्थ कैसे होता है? जा रहा है आदमी रास्ते में, शराब की दुकान दिखाई पड़ी, अब तो गांव गांव में दिखाई पड़े शराब की दुकान, शराब की दुकान में गया, पैसा दिया, शराब पी लिया, ये पैसे का अनर्थ हुआ। वही पैसे है, तीन गति हुई, स्वयं खाया अर्थ हुआ, जेब से गिर गया व्यर्थ हुआ, शराब पी लिया, गांजा भांग पी लिया और अन्य दुर्व्यसन चीजों को खरीद लिया, बेशिया गमन में उड़ा दिया, ये पैसे का अनर्थ हुआ। पैसे तो गया ही गया, जीवन में दुरुपयोग हुआ होकर के अपना जीवन की बर्बादी हुई। ऐसे ही उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग होता है। उपयोग क्या है जीवन का? जीवन का सरल उपयोग है कमाना खाना, जीवन जीना, बाल बच्चे का पालन पोषण कर लेना, ये जीवन का एक उपयोग है। दुरुपयोग है अपना दुखी रहना और दूसरों को दुखी करना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न सुख से जीते हैं न दूसरों को सुख से जीना देते हैं, अपने गलत रास्ते में चलते हैं और दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। चोरी किया, हत्या किया, अन्य और गलत काम किया, मारा पीटा, ये जीवन का दुरुपयोग हुआ। सदुपयोग क्या है? संयम, सद्गुण, सदाचार
के पथ पर चलते हुए सेवा सत्संग स्वाध्याय साधना करते हुए आत्म कल्याण का काम करना और जो बन सके समाज की सेवा करना, ये जीवन का सदुपयोग हुआ। अब हमें सोचना यह है कि हमें ये जो जीवन मिला हुआ है हम इसका केवल उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग तो किसी हालत में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत काम करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं तो हमें तकलीफ मिलेगी मिलेगी। दूसरे को दुख देकर हमें कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। ये जो जीवन मिला हुआ है स्वयं सुख से जीने के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए, आत्मकल्याण के लिए, परम शांति परमानंद परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। और ऐसा न करके यदि हमने बंधन बना लिया अपने लिए, गलत काम करके दूसरों को तकलीफ दी, ये तो जीवन की बाजी को हार जाना है, जीवन का दुरुपयोग करना है। आप सब जानते हैं, यहां तो अधिकतम किसान लोग बैठे हुए हैं। मान लो कोई किसान हो और उसके पास जमीन है, कुछ ऐसा अवसर पड़ा, भाग्य का ऐसा चक्र चला कि उसके पास घर में जितने भी अनाज थे, धान आदि, सब खत्म हो गया। बीमारी आ गई, कोई दूसरा काम हुआ, उसमें सब खत्म हो गया। अब उसके पास खेत में बोने के लिए धान और गेहूं या चने के बीज नहीं रह गए। खेत है, बोने का समय आ गया है, बीज पास में नहीं है। वो किसान सोचता है कि मेरे पास खेत में बोने के लिए गेहूं चना धान आदि के बीज नहीं है, दूसरों से उधार मांगना ठीक नहीं है, पता नहीं उधार को दे पाऊं या न दे पाऊं, फिर उधार क्यों मांगू, मैं तो समर्थ हूं, उधार क्यों मांगू, और मुझे अपने खेत को खाली रखना भी नहीं है, अनाज तो है नहीं, तो करता क्या है। गर्मी के दिनों में खेतों में जाता है, बबूल के बीज इकट्ठे करता, अपने खेत में बबूल के बीज बोता है। अब क्या कहेंगे उस किसान को, बुद्धिमान कहेंगे कि पागल कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। और ऐसा कोई किसान करता भी नहीं है कि बबूल के बीज इकट्ठे करे और अपने खेत में बबूल के बीज बो दे, क्योंकि बबूल के बीज बो करके केवल कांटे मिलना है, सारा परिश्रम बेकार जाना है। ये तो उदाहरण हुआ। हमारा जीवन एक खेत के समान है, इसमें हमें सद्गुण सदाचार कल्याण की साधना करना, कल्याण सद्गुण सदाचार के बीज बोना है ताकि कल्याण की फसल इससे पैदा की जा सके। लेकिन हमने यदि सद्गुण सदाचार की फसल नहीं बोई, संयम साधना की फसल नहीं बोई और कल्याण का अनाज तैयार न हुआ, बल्कि हमने गलत रास्ते पर चलकर अपने आप को और अधिक बंधनों में बांध लिया, अपने आप को अधिक दुखों में डाल दिया, तो यही कहा जाएगा कि हमने जीवन रूपी खेत में बबूल के बीज ही बो दिया है। बच्चा पैदा होता है एकदम मासूम, निरी निर्मल जीवन, कोई ऐब नहीं, कोई कुटेव नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई झूठाई कुछ नहीं जीवन में, मासूम जीवन, निर्मल जीवन होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, दुनिया का ज्ञान होता जाता है, दुनिया को समझता चला जाता है, लिखता पढ़ता है, और होता क्या है, धीरे धीरे जीवन में ऐब बढ़ते चले जाते हैं, छल कपट दुर्गुण दुराचार बढ़ते चले जाते हैं, झूठाई बढ़ती चली जाती है, और जवानी आने पर अनेक प्रकार की वासनाओं की वृद्धि हो जाती है। परिणाम क्या होता है, बचपन में हमारी जो सरलता थी, बचपन में जो मन में प्रसन्नता थी, निर्मलता थी,
वो सब के सब समाप्त तो हो जाती है। जवान हुआ आदमी, सीखा समझा पढ़ा लिखा, कुटिल बन गया, टेढ़ा बन गया, ये तो जीवन की हार हुई, ये तो जानबूझकर अपने जीवन में बबूल के बीज बोना हो गया। जरा सोचें, जीवन जितना बढ़ता जा रहा है, क्या हमारे मन की प्रसन्नता उतनी बढ़ती जा रही है? क्या हमारा आनंद उतना बढ़ता चला जा रहा है? क्या हमें अपने जीवन में निर्बंधता की, शांति की, स्वतंत्रता की अनुभूति होती है? क्या हमें ये लगता है कि जीवन पा करके हम जो करना चाहिए था वह हम कर रहे हैं? कहां होता है? अक्सर लोग कहते हैं, साहब क्या कहें, मन में बड़ी पीड़ा है, मन में बड़ी चिंता है, मन में तनाव है। अब तनाव तो नहीं, लोग कहते हैं साहब मन में बड़ा टेंशन है। तनाव तो हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन तनाव लोग नहीं जानेंगे। कई लोग साहब कहे मन में बड़ा टेंशन, टेंशन तो सब जानते हैं, देहाती महिलाएं भी जानती है टेंशन। मन में बड़ा टेंशन है, तो ये टेंशन बढ़ना जीवन की सफलता नहीं है। टेंशन का न रहना, टेंशन फ्री जीवन होना, ये जीवन की सफलता है। लेकिन टेंशन फ्री जीवन कैसे होगा जब आदमी स्वयं ध्यान नहीं देता? टेंशन फ्री जीवन किसका होगा? जो अटेंशन होगा, और अटेंशन के से आगे बढ़ करके जो मेडिटेशन की ओर बढ़ेगा, अटेंशन सावधान, जो सावधानी पूर्वक जीवन जिएगा, खाने में सावधानी, पीने में सावधानी, बात करने में सावधानी, व्यवहार करने में सावधानी, काम करने में सावधानी, हर जगह सोचने विचारने में सावधानी, पूरे जीवन के एक एक क्रिया को जो बहुत सावधान होकर के करता है, घर में जाओ बात करो, किसी से भी बात करो, सावधान होकर के बात करो कि मन में कि मेरी जवान से कोई गलत बात ना निकलने पाए। काम करो, सावधान होकर के काम करो कि कोई गलत काम ना होने पाए। व्यवहार करो, व्यवहार में कहीं दुराश छिपाओ या कुटिलता, कठोरता, वक्रता ना आने पाए। सोचो, लेकिन सोचते समय ध्यान रखो कि मन में कोई गलत चिंतन ना आने पाए, कुवासना ना आने पाए। इस प्रकार से जो आदमी अटेंशन रहेगा, सावधान रहेगा, वही जीवन में आगे चल करके मेडिटेशन, ध्यान और ध्यान साधना की ओर बढ़ेगा। और जितना आदमी के जीवन में ध्यान साधना उतरते जाएंगे, उतना ही आदमी टेंशन फ्री होता चला जाएगा, निश्चिंत होता जाएगा, तनाव रहित तो होता चला जाएगा। ये जीवन तनाव में व्यतीत करने के लिए नहीं मिला हुआ है। कोई जानवर तनाव में नहीं जीता है। जानवर के पास बुद्धि नहीं होती, जानवर के पास मन का विकास न होने से विवेक नहीं है, जानवर के पास वाणी की शक्ति नहीं है। प्रकृति ने आदमी को ही मन, बुद्धि और वाणी की अनुपम शक्ति दी है। दुनिया में जो कुछ विकास हुआ है, जो कुछ मंगलमयता दिखाई पड़ती है, सुंदरता दिखाई पड़ती है, ये सब क्यों, किसकी देन है? आदमी की ही देन है। और कैसे हुए? क्योंकि आदमी के पास मन की शक्ति है और वाणी की शक्ति है। ये दोनों शक्तियां अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन हमने अपनी इन दोनों शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया, दोनों शक्तियों को संभाला नहीं, दोनों का दुरुपयोग किया, गलत बात बोलकर स्वयं दुखी होते हैं, कटु बात बोल करके स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। आदमी जितना बोलता है उसमें से 75% व्यर्थ का होता है। आप देख लें, एक टेप रिकॉर्डर अपने पास रख लीजिए और हमेशा चालू रखिए, जो कुछ बोलते जाए सबको टेप रिकॉर्डर करते चले जाइए, और दो दिन बाद आप उसको सुनिए तो आपको लगेगा यह मैंने बोला इसकी आवश्यकता नहीं थी, यह बोला इसकी आवश्यकता नहीं थी। आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि जितना मैंने बोला उसमें से 12 आना बेकार का था, न बोलता तो भी काम चलता, कोई हर्ज नहीं होता।
75% से हमारा ज्यादा बोलना बेकार का होता है, और जितना अधिक हम बोलते हैं अपनी शक्ति को ऊर्जा को फूंकते ही हैं, बर्बाद ही करते हैं। अधिक जो आजकल कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं उनमें से बहुत सारे मुकदमे केवल गलत बोलने के परिणाम में नहीं होते हैं। आदमी अपनी जबान को संभाल ले तो बहुत सारे मुकदमे अपने आप शांत हो जाए। और घर घर में जो कलह है, पिता पुत्र में तनाव है, सास बहू में बोलचाल बंद है, भाई भाई में बोलचाल बंद है, पड़ोसी पड़ोसी में जो बोलचाल बंद है, इसमें बहुत कुछ कारण और भी हैं, लेकिन बहुत कुछ कारण वाणी का असंयम है, गलत बोलने के परिणाम है। आदमी संभाल करके बोलता, सोच करके बोलता, प्यार से बोलता तो लड़ाई झगड़े कलह न होता। बोलने के पहले हम सोच लें कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वही बात जब दूसरा आदमी मुझे कहेगा तो मुझे कैसे लगेगा, और लगता है यह बात दूसरा आदमी मुझे कहेगा तो मुझे गलत लगेगा, तो ऐसी बात न बोलें। सदगुरु कबीर ने तो कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तौलिके तब मुख बाहर आन। वाणी तो ऐसी होती है कि एक एक वाणी बड़ी अनमोल होती है, एक एक वाणी ऐसी होती है जिसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती है। लेकिन साहब कहते हैं कब, जो कोई बोले जान, जब आदमी बोलने का तरीका जाने तब। बोलने का तरीका आदमी जानता है तो रोते हुए आदमी को हंसा सकता है, बिगड़ते हुए काम को बना सकता है, और बोलने का तरीका ना हो तो बना हुआ काम बिगड़ जाता है, हंसता हुआ आदमी रोने लग जाता है। तो साहब कहते बोलने का तरीका आदमी यदि जानता है तो एक एक बात अनमोल होती है। बोलने का तरीका क्या है, साहब कहते हैं ही तराजू तौलिके तब मुख बाहर आन। पहले अपने हृदय की तराजू पर तौलो, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उचित है या नहीं है, सत्य है या नहीं है, प्रिय है या नहीं है, समय के अनुकूल है या नहीं है, जिससे मैं कहने जा रहा हूं वह व्यक्ति उस बात का योग्य है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात यही बात जब दूसरा मुझे कहेगा तो मुझे कैसे लगेगा। इतनी सारी बातों पर विचार कर ले आदमी तो कभी किसी की जबान से गलत बात नहीं निकलेगी। और घर में, परिवार में, व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी, सबका मन हर्षित तो होगा, पुलकित तो होगा। लेकिन हमने अपनी वाणी को संभाला नहीं, बस गुस्से में, जोश में, अहंकार में भर करके आदमी बात बोलता चला गया। इसीलिए तो आदमी सर्वाधिक दुखी है। जानवर इतना दुखी नहीं है, जबकि जानवर के पास बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, विवेक नहीं है, लेकिन जानवर दुखी नहीं है। आदमी को तो आधी जबान कह दो बस मुंह फूल जाएगा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। और इतना ही नहीं है, जिस समय कहा गया उसी समय आदमी दुखी हुआ, उस बात को सोच सोच करके आदमी सप्ताह, महीनों और वर्षों दुखी होता है। लड़के ने 2 साल पहले पिता को कुछ बात कह दी है, अब पिता 2 साल से उसे याद कर रहा है, 2 साल पहले लड़के ने मुझे ऐसा कहा था, अब उस बात को जब जब याद करते पिता गुस्सा से भर जाता है लड़के के प्रति। लड़का सोचता है पिता ने आज से 3 साल पहले मुझे ऐसा कहा था, सास सोती बहू ने मुझे ऐसा कहा था, बहू सोती सास ने मुझे ऐसा कहा था, 2 साल बीत गए, लेकिन उस बात को सोच करके आदमी आज भी गुस्सा से भरा हुआ है और दुखी बना हुआ है। कहते हैं कि आदमी को भूत पकड़ लेता है, और भूत पकड़ लेता है, जिस आदमी भूत पकड़ लेता आदमी सदैव दुखी रहता है। वह भूत कहीं बाहर नहीं है, भूत यही है कि जो बीती हुई बात को आप याद कर रहे हैं, अपने मन में बनाए हुए हैं। यह भूत को जब तक दिमाग से उतारोगे नहीं, दुख दूर नहीं होगा। एक सज्जन को किसी ने कुछ कह दिया था, अनसुहाती बात कह दी, बहुत दुखी हुए। अब कहे हुए कई साल बीत गए,
कई साल के बाद फिर उसने कहा साहब आज से इतने साल बाद उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। कहा गया भाई जब कहा था तब कहा था। हो सकता है आदमी कहने वाला स्वयं कहने के बाद पश्चाताप किया हो, उसके मन में ग्लानी हुई हो, दुख हुआ हो कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो स्वयं शर्मिंदित होगा, भूल गया होगा उस बात को। क्यों तो आप अपनी उस बात को क्यों भी अपने मन में बनाए हुए हो? अरे छोड़ दो, भूल जाओ इस बात को, क्यों याद करते हो? कहने लगा साहब साहब आप कहते हैं भूल जाओ कहते हैं, आज तो कहा तीन दिनों तक नहीं भूलूंगा। अब न भूलोगे तीन दिनों तक तो दुखी तो बने रहोगे, घाटा किसका होगा? तो मैं कह रहा था कि मन और वाणी की शक्ति हमारे पास है, न हमने अपनी वाणी को संभाला और न हमने अपने मन को संभाला। गलत चिंतन, कुवासनाओं का चिंतन, विकारी चिंतन और जितने भर के दुनिया भर के मनोविकार, काम क्रोध लोभ मोह, ये मन से ही तो खड़े होते हैं, इनको हमने संभाला नहीं। दुनिया को संभालते चले गए, घर संभालने में लगे हैं, खेती संभालने में लगे हैं, दुकान संभालने में लगे हैं, परिवार संभालने में लगे हैं, यहां तक गांव देश संभालने में लगे हैं, भूल गए हैं अपने मन को संभालने में। इसीलिए तो जीवन में पीड़ा है, इसीलिए तो जीवन का आनंद समाप्त हो गया है। बकवारी आनंद मृगा रुचि रुचि सरमारे। साहब कहते हैं ये तुम्हारे अंतकरण रूपी बाघ के आनंद रूपी मृग को मंद रूपी शिकारी इच्छा अनुसार से बाण मार रहा है। मैं कह रहा था अपनी वाणी को और अपने मन को संभालें, तब ये जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। हम चाहते क्या है? आनंद ही तो चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, पीड़ा कोई नहीं चाहता, अशांति कोई नहीं चाहता, लेकिन हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, अशांति है, ये सब कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, ये सब के सब हमारे अपने बनाए हुए हैं। क्योंकि जीवन को हमने सही ढंग से जीना जाना नहीं, तो जीवन क्यों मिला है? आत्मकल्याण करने के लिए। ये सदुपयोग है जीवन का। आत्मकल्याण की साधना नहीं कर पाए, इस जीवन में ऐसा काम नहीं कर पाए कि अपने आप को सारे बंधनों से छुड़ा सकें, मोक्ष का लाभ ले सकें, कोई बात नहीं। ऐसा ही करते कि जितना बनता जीवन को सह ढंग से जीते और जो बन सकता दूसरे की सेवा करते तो भी बहुत बढ़िया था। दुरुपयोग करना, अपने आप को वासनाओं में उलझाते जाना, बंधनों में बांधते जाना और दूसरों को पीड़ित करना, ये तो जीवन की हार है, जीवन का दुरुपयोग है। और इसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही तो हम करते हैं। जिन्होंने अपने जीवन को संभाल लिया वे बड़े हो गए। एक सामान्य आदमी में और एक बड़े कहलाने वाले आदमी में अंतर क्या है? एक जिन्हें हम संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, उनमें और हम में अंतर क्या है? उन्होंने अपने आप को संभाला और हम संभाल नहीं पाए। आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। एक आदमी होता है जिसके आने पर सब लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, और एक आदमी ऐसा होता है जिसे कोई चाहता भी नहीं है कि उससे मिलूं। दोनों आदमी फर्क क्यों कहां हुआ? क्योंकि एक ने अपने संभाल, दूसरे ने अपने को संभाला नहीं।